आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी केजी क्लास की उर्दू की टीचर। आप अपनी बुक खोलिए, पेज नंबर 22, लेक्चर नंबर 6। ठीक है बेटा, अल्फाज तोड़िए। यहाँ देखिए, जैसा कि आपको दिया गया है बे अलिफ बा, ये आपको जोड़कर दिया गया है, और आपको यहाँ पर एक मिसाल भी समझाई गई है कि आप जैसे आप पहले यहाँ पर लिखोगे आधा बे, फिर आप लिखोगे अलिफ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बे अलिफ बा। ऐसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे पे अलिफ पा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है ते अलिफ ता, अब हम इसे तोड़ेंगे, ते ते अलिफ ता, अब ये क्या है टे अलिफ ता, तो अब हम इसे तोड़ कर लिखेंगे टे अलिफ, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर है जीम अलिफ जा, ठीक है, तो यहाँ होगा जीम अलिफ जा, चे अलिफ चा, ठीक है, ये क्या होगा, ठीक है बेटा, चे अलिफ चा। यहाँ पर क्या है दाल अलिफ दा, यहाँ पर लिखा हमने दाल, यहाँ पर होगा अलिफ, ठीक है, दाल अलिफ दा, ये क्या है दाल अलिफ दा, यहाँ पर है दाल अलिफ दा, ये क्या है रे अलिफ रा, रे अलिफ रा, ये क्या है रे अलिफ डा, रे अलिफ डा, ठीक है बेटा। आपको इसी तरीके से यहाँ पर आप खुद लिखेंगे, मैंने आपको यहाँ पर जैसा कि समझाया, यहाँ पर जोड़ कर लिखा गया है, आपको यहाँ पर इसके तोड़ लिखने हैं, ठीक है, ठीके? जैसे आधा सीन और अलिफ, सीन अलिफ सा हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये शीन अलिफ शाह है, तो आप आधा शीन लिखेंगे, फिर यहाँ पर अलिफ लिखेंगे, ठीक है बेटा, ये आप खुद अपनी बुक में कीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ, पेज नंबर 23। मसौते अलिफ से मिलाकर से हुर्फी अल्फाज बनाएं, यानी कि हमें दिया गया है बे अलिफ बा, अगर हम इसके साथ लाम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा बाल, ठीक है, क्या होगा बाल, बे अलिफ ज़बर बा, इसके साथ हमने लाम मिलाया, क्या बना बाल, तो देखिए आपको दिया गया है बाल, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे बे अलिफ बा, इसके साथ लिखेंगे लाम, क्या हुआ बाल। अब जैसे ये है पे अलिफ पा, इसके साथ मिलाएंगे हमने सीन मिलाया, क्या बना पास, क्या बना यहाँ पर हो गया पास, तो यहाँ पर भी आप खुद लिखेंगे पास। भेस सीन अलिफ सा गाफ सा की, यानी गाफ इसके साथ मिलाएंगे, क्या हो जाएगा साम, ठीक है, क्या होगा साम। ये है ते अलिफ ता, जीम इसके साथ मिलाया, क्या बना ताज, ठीक है बेटा ताज। ये है रे अलिफ रा, ते इसके साथ मिलाया, क्या होगा रात, ठीक है रात। अब यह है ते अलिफ ता, नून इसके साथ मिलाया, क्या बना तान, क्या बना तान। अब यह है चे अलिफ चा, ते इसके साथ मिलाया, क्या बनेगा चाट, ठीक है चाट। अब यह है रे अलिफ रा, जीम इसके साथ मिलाया, क्या बना राज, क्या बना राज, ठीक है बेटा। टे अलिफ ज़बर्टा, लाम इसके साथ मिलाया, क्या बना ताल, क्या बना ये ताल। अब यह है शीन अलिफ शाह, लाम इसके साथ मिलाया, क्या बना शाल, क्या बना शाल। अब यहाँ देखिए बेटा, आपको यहाँ पर ये तीन डब्बे दिए गए हैं, जैसे कि आपको पहले लिखकर दिया गया है बाल, ठीक है, आप इसी तरीके से यहाँ पर ये हरूफ मैंने जैसा कि आपको बताया है पे अलिफ पास, सीन मिलाया तो पास, आप यहाँ पर इसी तरीके से तीन तीन हरूफ अपना लिखेंगे, ठीक है बेटा, ये आपका होमवर्क है। जो जो यहाँ पर दिए गए हैं अल्फाज आपको जोड़कर, यानी कि मसौते अलिफ से मिलाकर से हरूफ अल्फाज बनाएँ, वो आप यहाँ पर खुद लिखेंगे, ठीक है बेटा, ये आपका होमवर्क है। पेज नंबर 23 हमारा कम्प्लीट हुआ, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, पेज नंबर 24। अलिफ से मिलाकर से हरूफ अल्फाज बनाइए, यानी कि जैसे हमने पीछे बनाया है ऐसे ही हमें यहाँ मिलाना है। देखिए हमें यहाँ दिया गया है बे प्लस वन, यानी बे अलिफ बा, और यहाँ पर जो आपको हरूफ दिए गए हैं उसमें से मिलाना है इसे, ठीक है बेटा, जैसे कि इन हरूफ को हमने मिलाना है। जैसे आपको दिया गया है ये देखो, यहाँ पर आपको दिया गया है बे अलिफ बा मीम साकिन बाम, ठीक है, ठीक है बेटा, जैसा कि आपको बताया गया है बे अलिफ बा ये मीम बाम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मीम दिया गया है तो आपको बे अलिफ बा के साथ मिलाकर लिखना है। देखो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर है बे अलिफ बा, यहाँ पर हम इसे मिलाएंगे टे बाट,
देखिए जैसे यहाँ दिया था ना बे अलिफ बा, ये है मीम, तो क्या हुआ बाम, ठीक है, क्या हुआ बाम। जैसे आपको मीम यहाँ पर दिया भी गया है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बे अलिफ बा, देखो तो सकिन बा, ठीक है। अब हम लिखेंगे बे अलिफ बा, बे अलिफ बा, ये है गा, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बा, ठीक है बेटा, लिखा हमने बा। अब हम लिखेंगे बे अलिफ अरे, क्या हो गया ये बा, ठीक है बा, ठीक है। अब ये है बे अलिफ और ये जीम, क्या बना बाज। वैसे ही आपको ये खुद लिखना है, जैसे बे अलिफ सीन बास, ठीक है, ऐसे ही बे अलिफ ते बाद, बे अलिफ दाल बाद, बे अलिफ लाम बाल, ठीक है बेटा, यहाँ पर आप खुद लिखेंगे, ये भी आपका होमवर्क है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, पेज नंबर 24 हमारा हुआ कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, ये भी है ये बेटा, ये भी आपने खुद करना है, लेकिन यहाँ पर है पे अलिफ पा, ठीक है, हम इसे लिखेंगे पे अलिफ, ये है लाम, क्या बना पाल, ठीक है। वहाँ पर था बे अलिफ बा से मिलाकर हमने हरूफ लिखने थे जो हमें दिए गए थे, यहाँ पर हमें पे अलिफ पा से मिलाकर लिखने हैं, तो आप यहाँ पर भी अपना होमवर्क खुद करेंगे। अब ये बना पे अलिफ पा टे, क्या बना पा, ठीक है बेटा, ये मैंने आपको समझा दिया। यहाँ भी आप खुद लिखेंगे, यहाँ पर होगा ते अलिफ, ठीक है, इसी तरीके से करना है जैसे हमने बे और पे किया, ठीक है, ते अलिफ ता, ये है बे, क्या बना ता, ठीक, ठीक है बेटा, ऐसे ही आपको करना है, ये भी आपका होमवर्क है, आप अपनी बुक में करेंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, पेज नंबर 26, अल्फाज बनाइए, पढ़िए और लिखिए, ठीक है, जैसा कि आपने पीछे किया है ऐसे ही आप यहाँ पर भी लिखेंगे, ये है जी मलिफ जा, ठीक है, नून साकिन, जैसे आप, मैं आपको फिर भी एक लिख कर बता देती हूँ, जैसे आपने पीछे लिखे हैं ये भी वैसे ही होगा, ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है, जी मलिफ नून, तो ये क्या बना जाम, ठीक है बेटा, ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आपको अपनी कॉपी पर करना है, सफाई से अपना होमवर्क करना, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर है दाल अलिफ दा, तो यहाँ पर आप लिखोगे दाल अलिफ, ये है दाल, तो क्या बना दाल, ठीक है, यानी कि जो भी आपको अल्फाज यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर जी मलिफ जा है तो आपको जी मलिफ जा से मिलाकर यहाँ पर हरूफ लिखने हैं, यहाँ पर दाल अलिफ दा है तो आपको दाल अलिफ दाल से मिलाकर हरूफ लिखने हैं, जहाँ पर बे अलिफ बा दिया है या पे अलिफ पा दिया है तो उनसे मिलाकर आपको हरूफ लिखने हैं, ठीक है बेटा। ये था हमारा लेक्चर नंबर 6, ये हुआ कंप्लीट, जो आपको होमवर्क दिया गया है आप सफाई से कीजिएगा अपनी कॉपी पर, और इस हफ्ते के आखिरी दिन में अपना काम हमें चेक करवाइएगा और अपनी कॉपी हमें सबमिट करवाइएगा ताकि हम आपका काम चेक कर सकें। तब तक के लिए हम फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, स्टे होम स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।